Beautiful and elegant actress Pariva Pranati, also known as Amrita of Hamari Sister Didi, talks about her television journey till now. Let's hear it from her. देखिए मैंने अपना पहला शो शुरू किया था विद फर्स्ट टेलीविजन शो था भाभी और उसमें डॉली सोही करके मेरी मदर थी. बेसिकली हम जनरेशन लीप के बाद आए थे, मैं और रुचा गुजराती करके एक एक्ट्रेस हैं. तो वो बेसिकली लर्निंग एक्सपीरियंस था और उसके बाद मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं और मुझे जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं, फेयर ओरिजिन करके एक प्रोडक्शन हाउस जो कि मुझे अपने घर जैसा लगने लगा था बिकॉज मैंने बैक टू बैक उनके साथ दो शो किए थे. विरोध करके एक शो किया था जो कि इफ़ आई से कास्ट वाइज इट वॉज द बिगेस्ट कास्ट आई हैड वर्कड विथ एंड उसका सेट भी बहुत ग्रैंड था. विक्रम गोखले, गोविंद नामदेव, अच्युत पोदार, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आई थिंक काम करना इज लाइक अ ड्रीम बेसिकली, क्योंकि ये उस लेवल के एक्टर्स हैं. तो वो मैं ऑ में ही रहती थी उस शो में मोस्टली कि इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है. उसके बाद मैंने हैट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक शो किया, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, जिसमें मैं गुजराती बनी थी और वो मेरे लिए करियर वाइज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट शोज़ था क्योंकि उसमें जितने गुजराती एक्टर्स थे, गुजराती थिएटर के एक्टर, वो सब हिंदी स्पीकिंग बने थे और मुझे बहुत गुजराती बोलनी पड़ती थी. तो काफ़ी लोग इनफैक्ट एयरपोर्ट पे मुझसे आके गुजराती में बात करने लगते थे. तो वैसा एक्सपीरियंस है, प्लस सीखने में ऑब्वियसली टाइम लगता है. एंड हैट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक वो थिएटर की तरह काम करता है. उनका हर शो एक थिएटर की तरह रिहर्सल, रीडिंग प्रॉपर उस हिसाब से बनता है. कई चीज़ों में वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा दैट वाज द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो उसमें बहुत मज़ा आया. और उसके बाद हाँ, उसके साथ मैंने तलाश की थी और तलाश अपने आप में आई थिंक आमिर खान से के साथ काम करना इज़ ऑल्सो अगेन अ ड्रीम. इनफैक्ट मुझे याद है मैं टीवी कर रही थी और टीवी में एक सास, मैंने एक बहुत अच्छा शो किया था आरक्षण. वो शो शुरू हुआ था बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे, लेकिन बाद में वो सास बहू ड्रामा बन गया था क्योंकि पॉलिटिक्स उतना दिखाना अलाउड नहीं था. तो मुझे याद है मैं एक फ्रस्ट्रेटिंग सास बहू सीन कर रही थी और मेरा था कि हाँ मुझे ये सब नहीं करना, मुझे आमिर खान के साथ काम करना है. एंड आई थिंक विद इन 2-3 डेज आई हैड साइन तलाश. सो भगवान शायद सुन रहे थे मेरी कि यू नो तथास्तु, लो बेटा जाओ आमिर खान के साथ काम करना है. तो मैंने बोला यार मुझे क्लियर होना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि आमिर खान के साथ क्या काम करना है. सो वो था, बट स्टिल आई थिंक मेरे सारे सीन्स आमिर के साथ थे तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया. एंड ही सो डाउन टू अर्थ दैट यू डोंट फील दैट यू वर्किंग विद अ स्टार. सो आई थिंक दैट आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम हिम कि कभी भी लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ यू शुड ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड. एंड अभी ये हमारी सिस्टर दीदी, अभी हम 6 days a week शो कर रहे हैं तो हम यहीं रहते हैं पूरे टाइम. मुझे 3 महीने से छुट्टी नहीं मिली, जो मैं हर बार आई थिंक हर इंटरव्यू में बोलती हूँ. बट अगेन इट्स अ लवली एक्सपीरियंस और बहुत कुछ करने को सीखने को मिलता है यहाँ पे. आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ऑडिशंस, तो आई जस्ट गिवन 1 audition or 2 auditions एंड देर वॉज दिस शो कॉल्ड होटल किंगस्टन एंड आई वॉज लाइक अ किड और मुझे उसमें एपिसोडिक स्टोरीज होती थी. सो आई हैड स्टार्टेड फेसिंग माई कैमरा विद दैट एपिसोडिक थिंग, आई हैड डन दैट एंड उसके जस्ट बाद मुझे भाभी मिला था. आई डेंट स्ट्रगल एक्चुअली क्योंकि मैं बॉम्बे आई, मेरे फादर अब तो रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो हमारी हर 2-3 साल में पोस्टिंग होती थी और वो बॉम्बे में पोस्टेड थे. एंड आई सडनली मेरा हर 3 महीने पे चेंज होता था कि अभी मुझे ये बनना है, अभी मुझे वो बनना है. तो लेटेस्ट था कि मुझे थिएटर करना है. तो जब वो बॉम्बे में पोस्टेड थे, यहाँ आकर मैंने थिएटर करना शुरू किया. एंड थिएटर मैंने हार्डली किया होगा क्योंकि उसमें लोगों को इतना ज़ोर से बोलना होता है ना कि मैं वही सुन के डर गई. मुझे लगता था मेरी आवाज़ कभी उतनी ज़ोर से निकल ही नहीं सकती है. तो खैर मैंने थिएटर शुरू ही किया था तब तक. आई ऑडिशन फॉर टेलीविजन एंड आई गॉट इट. आई थिंक 1 या 2 audition दिए होंगे. सो आई स्टार्टेड एक्टिंग इन टेलीविजन. इन वन वर्ड इट्स ऑसम. आई थिंक इट्स ऑसम. आई लव एवरीथिंग अबाउट इट, अदर इन फैक्ट इवन द हार्ड वर्क. बिकॉज जब आप क्रिप करते रहो कि आप इतने घंटे काम कर रहे हो कि आप लेट हो और आपको सेकेंड्स में नींद आ जाए, जिस दिन आप घर पर बैठे हो तो आपको लगता है यार थका होना तो वैसे ही थकना चाहिए कि यू नो यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. मैं कहूँगी दे ऑल्सो ऑसम, आई लव देम एंड आई एम ग्लैड क्योंकि मैं थोड़ी सी पागल हूँ, मैं नॉर्मल काम नहीं कर सकती हूँ. मुझे हमेशा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना होता है. इवन टेलीविजन में जहाँ पे हर शो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, आई ट्राई टेकिंग अप डिफरेंट वर्क. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप स्टिक करें किसी एक्टर के साथ जो कि हर शो के बाद साल भर के लिए गायब हो जाता है. मेरी तो आदत है कि मैं एक शो करती हूँ फिर मैं गायब हो जाती हूँ. तो आई वुड से आई लव देम. Pariva, wish you all the good wishes in life and hope all your dreams come true.
Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Pariva Pranati. Please keep watching India Forums and subscribe to WhatsApp TV.